Hello, today I'm going to Y20 unboxing. Me Sajid Mehmood and you watching Parktime Mobile Store. आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ Y20. आज हम इसके बारे में आपको मुकम्मल अनबॉक्सिंग और रिव्यू बताएंगे. इसके लिए हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें और हमारा यूट्यूब चैनल Parktime Mobile Store सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको अनबॉक्सिंग के रिव्यू की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे. Y20 5000 mAh बैटरी और ऑल ट्रिपल्स मैक्रो कैमरा और सेट फिंगरप्रिंट के साथ आता है. ये वर्जन 4GB रैम और 64 SD के साथ आता है. तो फाइनली हम अब इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं. हमारे साथ रहिएगा और हमारी वीडियो को फुल रिव्यू करिएगा ताकि आपको रिव्यू में हर चीज़ भी मिसिंग ना हो और हर चीज़ मिलती रहे. इसमें हम आपको बताएंगे Y20 के साथ साथ इस वक्त कंपनी हमारे इसमें क्या क्या एसेसरीज देती है. हमारे पास है Y20, एक मैं आपको चीज़ बता दूं, ये 2021 है और एक होता है 2020. जो 2020 होता है उस पर 2020 नहीं लिखा होता, लेकिन उसमें वो 10 पे ऑपरेट हो रहा होता है और जो 21 है ये 11 जो लेटेस्ट है उस पर ऑपरेट हो रहा होता है एंड्रॉयड 11 पर. इसके ज़्यादा हम देख रहे हैं एक कवर है और 3 नाजुक अच्छे सॉफ्ट है जो वीवो साथ दे रहा है वो. और इसके साथ फाइनली हम डिवाइस को साइड पे रखते हैं. ओके, इसके बाद में जाएंगे. और इसके साथ हमें एक केबल मिलती है, डाटा केबल जो चार्जिंग के लिए भी काम आती है. और इसके साथ हमें 18 वाट का अडाप्टर मिलता है जो चार्जिंग फास्ट चार्जिंग करता है. इतनी नहीं लेकिन फास्ट करता है, बहुत बेहतरीन. बाकी बुक्स में कुछ भी नहीं है. हम इन चीज़ों को सेट पे करते हैं और आप फाइनली जाते हैं डिवाइस की तरफ. अब हम इस डिवाइस को ओपन करते हैं, इसका वेब पर उठाते हैं और उसके बाद इसको फाइनली ओपन करते हैं. इसको साइड पे रखते हैं और ये वाइट लुक में है, बहुत ही अच्छी प्यारी लुक है ये देखें. और आपको ये चीज़ बताते जाएं कि इसका पैनल HD में आता है, लेकिन सुपर HD जो आजकल आ रहे हैं उसमें नहीं है, लेकिन HD में है ये. अब डिवाइस ऑन होने के बाद हम सेटअप की तरफ जाते हैं. ये देखें 3 ट्रिपल कैमरे हैं और इसके ऊपर की साइड पे कुछ भी नहीं दिया गया. उसके साइड पे सिम चेक किए गए हैं जो हम आपको दिखा देंगे. इसमें सिम जैक में ओपन करके ये पिन दीजिए गया सिम चेक निकालने के लिए. और इसके अलावा हम आपको दिखा देते हैं इसमें क्या क्या रख सकता है. इसमें 2 सिम्स और SD कार्ड की स्पेस दी गई है, बहुत बेहतरीन. आप एक साथ में SD कार्ड और 2 सिमों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसके बाद हम जाते हैं सेटअप की तरफ. आप रहिए हमारे साथ, हम सेटअप करते हैं उसके बाद बाकी चीज़ें बताते हैं. फाइनली हमारा सेटअप हो गया है. बहुत ही सॉफ्ट टच है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्क्रीन टच HD के साथ मज़ा दे रहा है. और 11 में जो पुराने मोबाइल आते थे उनके वर्जन एंड्रॉयड जो था 9 या उसे 8, वो साइड से मैन्यू खुलता था, लेकिन इसका नीचे से खुलता है क्योंकि ये 11 पर अपडेट हो रहा है. जैसे हमने इसको सॉफ्ट टच बताया और आपको बताया था यहाँ सिम चेक का, उसके नीचे इसका मैक दिया गया है और 3.5 mm जैक हैंड फ्री इस्तेमाल करने के लिए किया गया. और इस नीचे स्पीकर दिए गए हैं और इसके साइड पे ये फिंगरप्रिंट दिया गया है. ये वॉल्यूम अप और डाउन किया दिया गया है. पीछे 3 कैमरे हैं और एक बहुत अच्छी फ्लैश लाइट है जो मैंने पहले बता चुका हूँ. इसका मेन कैमरा तकरीबन 48 MP है और इसके अलावा आपको सॉफ्ट टच है. और मैं इसकी फिंगरप्रिंट की स्पीड भी आपको चेक करवाता हूँ. ये हमारी फिंगरप्रिंट की स्पीड है जो कि बहुत फास्ट है. ये देखें, हल्का सा टच लेती है और फौरन स्क्रीन ऑन हो जाती है, टाइम नहीं लगाती. और इसके अलावा हम फेस का इसका देखेंगे लॉक, जो हम देख रहे हैं फेस का थोड़ा सा लॉक स्लो है, लेकिन वर्क करता है, लेकिन थोड़ा सा स्लो है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है. और इसमें जो
क्वाड का चिप इसमें इस्तेमाल किया गया है, उसका वो है 42 पे ऑपरेट हो रहा है, और ये बहुत ही बजट में है। इसका 26 इनवाइस है 26,000 पे, और मार्केट में तकरीबन ये 2400 और 24,500 तक ये मिल जाता है। वीवो के इनवाइस रेट से कम ही मॉडल मिल जाते हैं। आई होप हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक करें। अगर आपको इस मोबाइल के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी किस्म की, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको मुकम्मल कैमरे का मुकम्मल रिव्यू भी चाहिए, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। उसके बाद हम मुकम्मल रिव्यू वीडियो बनाएंगे। अपना भी इर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, उस वक्त के लिए इजाज़त दें। गुड बाय।